प्रक्रिया रद्द, सैकड़ों पदों पर नए सिरे से होके आवेदन। अगर आप में से किसी ने भी किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई अब तक किया है, तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो वो भर्ती आपकी रद्द हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी है जिस पर हम आपको जानकारी देने वाले। क्यों रद्द होगी, इसका कारण क्या, वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे या किसी भी पोस्ट के लिए अगर उनको जानकारी चाहिए थी कि इसका एग्ज़ाम कब तक है, तो उसके लिए ये बड़ी जानकारी होगी। हिमाचल में राज्य के बसिंदों को नौकरी में तरजीह देने के लिए जयराम सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के सभी विज्ञापन रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि आप जानते हैं 18 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसमें ये निर्णय लिए गए हैं, उस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जितनी भी पोस्टें भरी गई थी अब तक हिमाचल प्रदेश में, जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, उन पर ये नियम लागू होंगे। जिनके तहत अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई, स्कूल प्रवक्ताओं समेत सैकड़ों कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया इससे रुक गई है। ये बड़ी जानकारी है। जो लोग हिमाचल के नहीं हैं उनको अब नौकरी अगर हिमाचल में करनी है तो उसके लिए कुछ शर्तें इसमें जोड़ी गई है। मंगलवार को सरकार ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं, तो ये बड़ी जानकारी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब हिमाचल से 8वीं, 10वीं, 12वीं पास करने पर ही बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी, ये बड़ी जानकारी है। जयराम सरकार ने ये अधिसूचना मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग के बैठक के दूसरे दिन जारी की है। आपको पता है 18 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद ये निर्णय लिए गए थे कि जो बाहरी राज्यों के जो नागरिक या आवेदक जो अप्लाई करते हैं हिमाचल प्रदेश मैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो उनके लिए अब 8वीं, 10वीं, 12वीं पास करना हिमाचल से अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए समस्या उत्पन्न होगी। पात्रता नियम 2019 अधिसूचित मंगलवार को राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव कार्मिक विभाग के आरडी धीमान ने हिमाचल प्रदेश वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता नियम 2019 को अधिसूचित किया है। तो ये क्लास थर्ड और जो क्लास फोर है इनके लिए, अगर किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप हिमाचल से नहीं आवेदन कर रहे हैं, तो अगर आपने 8वीं, 9वीं प्लस टू, 10th प्लस टू अगर आपने हिमाचल में नहीं किया, तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर। ये नियम सरकारी उपक्रमों, नियमों, बोर्डों, स्वायत्त संस्थाओं, निकायों आदि पर लागू होगी। कोई भी अभ्यर्थी थर्ड क्लास के पदों के लिए अगर जॉब पाना चाहते हैं या नियुक्ति तभी होगी उनकी जब वो हिमाचल से किसी भी स्कूल में अगर उसने 10th और प्लस टू पास की होगी, तभी वो एलिजिबल होगी इस भर्ती के लिए। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए केवल तभी पात्र होगी यदि हिमाचल के किसी स्कूल या संस्थान से 8वीं और 10वीं की परीक्षा पास की हो। ये शर्त हिमाचल के स्थानीय निवासियों पर लागू नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी, बेशक वे राज्य से बाहर पड़े हो। देखिएगा, कल जब हमने आपको कैबिनेट की मीटिंग के बारे में इसकी जानकारी दी थी, तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर मैं हिमाचल से हूँ, पर सर हमने पढ़ाई बाहर से की है, जैसे हिमाचल के, और आपने पढ़ाई की है पंजाब से या हरियाणा से, तो क्या हम इस भर्ती में आप एलिजिबल हो गए या फिर नहीं। तो उनके लिए ये लागू नहीं होगी। जो लोग बोनाफाइड हिमाचली हो गए उनके लिए ये लागू नहीं होगा। बाकी जो अदर स्टेट के है, जैसे अगर आप किसी भी पीओन की पोस्ट के लिए या क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई आप लोग कर रहे हैं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, तो उनके लिए नियम लागू होगी कि आपको हिमाचल के स्कूल से ही आपने शिक्षा ली होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि किसकी परीक्षा नहीं हुई है अभी तक, जो जिनकी परीक्षा नहीं हुई है। जैसे अलाइड है, आपका न्यूज़पेपर में आपको जानकारी दी हुई है कि जो आपका अलाइड सर्विस का एग्ज़ाम है वो अब 8 को नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ये जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अभी स्कूल प्रवक्ताओं के 396 पद भरे जा रहे हैं, इनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है। और उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग में भी प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, स्पेशल एजुकेटर, सांख्यिकी सहायक, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के 64 पदों पर भी भर्ती रुक जाएगी। ये बड़ी जानकारी है। और इसी तरह के अन्य विज्ञापित पदों पर भी भर्ती रोक दी गई है। नई अधिसूचना के बारे में सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडलयुक्तों, उपायुक्तों, हिमाचल लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के सचिवों, सभी बोर्डों, निगमों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों आदि को अवगत करवा दिया गया है।
तो ये बड़ी जानकारी है। और अब जो जितनी भी पोस्टों के लिए अब तक आप आवेदन कर चुके हैं वो दोबारा से भरी जाएगी, और उस पर ये कंडीशन होगी कि अगर आपने कहीं और से अप्लाई इसके लिए किया है तो फिर आपको दोबारा से वो उसकी उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। फीस को लेकर निर्णय होने वाला है कि जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया तो क्या उनकी फीस वापस होगी, या जो लोग हिमाचल के उन पर ये लागू नहीं होगा। हो सकता है जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने हिमाचल की किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन किया हुआ है, तो उनके लिए ये भी हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं के आवेदन। तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या जिस भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। ऐसा ना हो बाद में कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस दिन आप पहुँच गए, हो सकता है किसी पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया हो, तो वो फिर आपकी जो शेड्यूल बना हुआ था कि किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम किसी भी दिन निर्धारित हुआ था, तो अभी तक अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उस पर ये कंडीशन लागू होगी। और इसके बारे में आपको बोलता हिमाचल डॉट कॉम पर जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके बारे में एक न्यूज़ दी हुई है बोलता हिमाचल डॉट कॉम, आप उसको सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको आप ओपन करेगा और पूरी जानकारी आपको उसमें दी हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकारी नौकरी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जारी होते हैं उनकी जानकारी भी उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी थी कि आपकी जो भर्ती है उस पर सभी पर रोक लगी।